स्कूल के बच्चों क्या हाल है, ठीक ठाक है? आज बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है? अच्छा, क्वेश्चन करवाने से पहले एक चीज सुन ले बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारे पास है चैप्टर नंबर 6, ठीक है, ये बाकी चैप्टर से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और जो हम अभी क्वेश्चन करने लगे हैं ये तो फिलहाल मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट सेम है, लेकिन इसी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है। आप इस एक्सरसाइज की बात करें या इस पूरे चैप्टर की बात करें, ये चैप्टर बाकी चैप्टर्स के निस्बत थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आपने बच्चों इसकी प्रैक्टिस जो है वो बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये चैप्टर आपका फिंगर टिप्स पे आपके हो जाए, ठीक है? ओके बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि एक सर्कल है हमारे पास, कोई भी हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल, ठीक है? कहते हैं जी इस सर्कल में से ये तीन पॉइंट जो है ए बी और ये सी, ये पास कर रहे हैं इस सर्कल में से। तो हमने क्या करना है, इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है? तो इक्वेशन फाइंड करने का क्राइटेरिया क्या है ये देख रहे हैं हमारे पास बच्चों। हम सपोज करते हैं, सपोज इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसको हम कह देते हैं स्टैटिक। नाम क्या दे दिया? स्टैटिक। हमने सपोज किया जिस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है वो सर्कल हमारे पास ये है, ठीक है? अब देखो बच्चों, इस सर्कल की इक्वेशन को सपोज कर लिया ये है। अब पॉइंट ए इस सर्कल के ऊपर आ रहा है, पॉइंट बी भी इस सर्कल पे आ रहा है, पॉइंट सी भी इस सर्कल पे आ रहा है। तो मतलब क्या है, अगर पॉइंट ए सर्कल पे आ रहा है तो सर्कल की इक्वेशन में पुट करें तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, ए 4.5 लाइज इन वन इन स्टेरिक। जो पॉइंट ए है इस इक्वेशन में आ रहा है, लाइज आ रहा है, तो ये इस इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू किसकी होती है? एक्स की। सेकंड वाली वैल्यू वाई की। एक्स की जगह पे 4 पुट करें, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y की जगह पे 5 पुट करें, 5 का स्क्वायर 25 प्लस x की जगह पे क्या पुट करना है हमने, 4, 4 टू द 8g प्लस y की जगह पे क्या पुट करना है हमने, 5, 5 टू द 10 और f आ गया प्लस c इज इक्वल टू 0। अरेंज करें बच्चों इसको, क्या बना 8g प्लस 10f प्लस c, इन दोनों को ऐड करें 41 आ जाएगा, तो उधर जाके -41। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों? ओके, अभी पॉइंट ए की बात किया, पॉइंट बी देखते हैं। इसी तरह बी जो है -4, -3 आल्सो लाइज इन इक्वेशन नंबर स्टेरिक 1, कह रहा हूं स्टेरिक। अगर पॉइंट बी भी इस सर्कल की सर्कल पे लाइक आ रहा है, ठीक है, इस सर्कल पे पॉइंट बी भी लाया करे, तो पॉइंट बी को भी अगर हम इसमें पुट करें सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए बच्चों, एक्स की जगह पे -4 पुट करें, -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस वाई की जगह पे -3 पुट करें, -3 का स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, -4, -4 को +2 से करें, -8g। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, वाई की जगह पे क्या पुट करना है, -3, -3 को 2 से करें, -6f प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन देखेंगे आ जाएगा -8g -6f प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25। इधर जाके क्या आ जाएगा, -25। इसको हमने दो नंबर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों? ओके, अब देखें, अब हमारे पास क्या है, अब हमें ये कहा गया पॉइंट सी भी लाया कर, तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, सी 8, -3 लाइज इन स्टेरिक। सी भी लाया कर, तो C को भी पुट करते हैं इसमें। X की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, देखें जरा, इस X की जगह पे क्या पुट करना है हमने, 8, तो 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64 प्लस Y की जगह पे क्या पुट करना है, -3, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, ठीक है बच्चों? X की जगह पे क्या पुट करना है, 8, 8 टू आर 16g, -3 को पुट करना है इधर, -3 को 2 से करें, -6f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है हमारे पास, 16g -6f प्लस c, देखें इन दोनों को ऐड करें +73, उधर जाके क्या आ जाएगा, -73। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखें बच्चों, अब है क्या, अब असल में हमें काम क्या करना पड़ेगा, हमने करना यह है 1, 2 और 3,
इन तीनों को यूज करके हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जी की, एफ की और सी की। इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, जी, एफ और सी की, और हमने उन्हीं को इसमें पुट करना है। तो जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी होगी, वो उस सर्कल की इक्वेशन होगी जिसमें से ए बी और सी पार्ट करें, पास करें। तो क्या करना है दोबारा सुन लें, हमने सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के जी एफ जी और सी की वैल्यू फाइंड करनी। ओके देखते हैं जरा, अब ट्रिक याद रखना आपने, इक्वेशन नंबर वन माइनस इक्वेशन नंबर टू, वन में से टू माइनस करें, क्या लिखा हुआ, वन क्या है, 8g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 41, ठीक है। और बच्चों इक्वेशन नंबर टू क्या है, माइनस 8g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 25। एक तो ये हमने इक्वेशन लिखी है, दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं, इक्वेशन नंबर वन में से टू को माइनस किया है, इक्वेशन नंबर टू में से इक्वेशन नंबर थ्री को माइनस कर दें। इक्वेशन नंबर टू क्या है, अभी तो लिखा हमने, ये है माइनस 8g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 25, ठीक है। और इक्वेशन नंबर थ्री क्या है, 16 टाइम g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 73, ये आ गया। अब बेटा दोनों को क्या करना है, माइनस, बचपन में पढ़ा ना, माइनस जब भी करते हैं साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये कैंसिल, 8 और 8 16g प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा 16f, और 41 में से 25 निकालेंगे आ जाएगा 16, लेकिन माइनस के साथ। इस सब में क्या कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है, ओके 16 कॉमन लेते हैं, बाकी क्या बचा, g plus f is equal to minus 16, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, g plus f is equal to minus 1, इसको हम नाम दे देते हैं a का। अब 2 में से भी 3 को क्या करना है, माइनस, ओके ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये भी प्लस, बेटा ये कैंसिल हो गया। इन दोनों को देखें जरा, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 24g प्लस माइनस, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, 73 में से 25 निकाले तो क्या आ जाएगा, 48, ओके तो g किसके इक्वल आ जाएगा, 48 ओवर माइनस 24 विच इज इक्वल टू माइनस 2, ये g का आंसर आ। बेटा g तो आ चुका है, किसका चाहिए, f का और c का भी। अगर मैं आपसे कहूं इस g को इस इक्वेशन में पुट कर, क्या लिखते हैं, पुट इन a, a में पुट करो, जब इसको मैं a में पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस टू प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस टू उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस टू, तो f इज इक्वल आ गया माइनस वन प्लस टू, f का आंसर क्या निकल आया, वन। बच्चों g भी आ चुका है और f भी आ चुका है। अब देखें जरा कोई इक्वेशन ऐसी देखें, चले इसकी बात करते हैं, इसमें हमने क्या करना है, g और f की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, आंसर किसका आ जाएगा, c का, तो क्या लिखें यहां पे, पुट वैल्यू ऑफ g एंड f इन, कौन सी इक्वेशन है, वन, ओके बेटा 8 g की जगह पे क्या आएगा, माइनस टू, ये आ गया माइनस टू, प्लस 10 f की जगह पे क्या आ गया, वन, प्लस c इज इक्वल टू माइनस 41, ये आ गया। तो यहां से देखें जरा, 8 को माइनस 2 से करें माइनस 16 प्लस 10 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 41, यहां से क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया माइनस 6 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 41, तो c इज इक्वल आ जाएगा माइनस 41 प्लस 6, और तो c इज इक्वल आ गया माइनस 35। तो बच्चों देखें हमारे पास क्या क्या आ गया, g भी आ गया, f भी आ गया, c भी आ गया। अब किसमें पुट करना हमने, इस इक्वेशन में, ओके देखें इसमें पुट करते हैं हम, पुट वैल्यू ऑफ g, f एंड c इन स्टैटिक, स्टैटिक में पुट करें तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2, g क्या आया बच्चों हमारे पास, माइनस 2, तो g की जगह पे माइनस 2 7x प्लस 2, f की जगह पे 1 आया था, y वैसे ही आ गया, c क्या निकला था, माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों ये आ गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, इट इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल यही हमें चाहिए थी, ठीक है। तो ये हमारे पास वो क्वेश्चन था जिसमें से ये तीनों पॉइंट पास कर रहे थे, ए बी और सी, ओके बच्चों टेक्निक्स खुद हमने देखनी है कि तीनों को किस तरह से सॉल्व करना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हर क्वेश्चन में लाजमी नहीं है आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़े माइनस करके जैसे हमने अभी किया है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में टेक्निक जो है वो चेंज हो जाए। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह से जो है बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यही है, सेम यही है, माइनस सेवन को मर सेवन, बी क्या है फाइव कोमा माइनस वन, और सी क्या है बच्चों टेन कोमा जीरो। अब वो हमने सर्कल फाइंड करना है जिसमें से ये तीनों पॉइंट पास कर, तो अगेन डायलॉग वही लिखेंगे क्या, स्पॉज इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या बच्चों, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको हमने कह दिया स्टेरिक है। ठीक है, ओके। अब देखो यार हमने करना क्या बच्चों, अब हमें ये चाहिए कि हमने, हमें पता है ए बी और सी तीनों इसी इक्वेशन में लाइक आ रहे, ठीक है, तो ए को पुट कर रहा हूं मैं, आपने क्या लिखना है ए लाइज इन स्टेरिक, तो ए को पुट करें, माइन एक्स की जगह पे माइनस सेवन तो क्या आ जाएगा प्लस 49, इधर वाई की जगह पे प्लस सेवन उसका स्क्वायर भी 49, x की जगह पे क्या पुट करना है माइनस सेवन को 2 से करें माइनस 14g प्लस y की जगह पे क्या पुट करना है 7, तो 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14f प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों ये बचा माइनस 14g प्लस 14f प्लस c इज इक्वल टू 49 और 49 98 प्लस है उधर जाके माइनस 98, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब किसको पुट करना है, बी को, बी क्या है 5 कॉमा माइनस 1, ओके बी को पुट करते हैं, तो बी को इसमें पुट करें एक्स जगह पे 5 पुट करें 25 प्लस वाई की जगह पे क्या पुट करना है माइनस 1, तो ये आ जाएगा प्लस 1, एक्स की जगह पे क्या पुट करना था 5, 5 टू द 10 जी और ये आ गया माइनस 2 एफ, जब 1 माइनस 1 को वाई की जगह पे पुट करेंगे माइनस 2 एफ प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या बचा 10 जी माइनस 2 एफ प्लस c इज इक्वल टू 25 फॉर 1 क्या होता है 26, तो उधर जाके क्या हो गया माइनस 26। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब यार ये देखो तीसरी क्या है हमारे पास इक्वेशन, जो c है, c हमारे पास है 10 कॉमा 0, ये भी लाया कर रहा है, तो यहां से 10 को पुट करो जरा x में 100 आ गया, प्लस y में पुट करूंगा अगर मैं इस 0 को तो 0 आ जाएगा, 10 को इधर पुट करो 10 टू द 20g, इधर y पुट करूंगा क्या 0, तो वो भी खत्म, क्या बच गया प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया 20g प्लस c इज इक्वल टू माइनस 100। ठीक है, अब एक चीज देखें जरा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पे बच्चों, मैंने आपसे कहा था हमेशा तीन इक्वेशन निकले, ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन फिलहाल इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 ये है, और एक इक्वेशन ये है इक्वेशन नंबर जिसको हमने कहा 3 है। आप ये देखो इसमें क्या मिसिंग है, f मिसिंग है ना, अगर हमारे पास एक और ऐसी इक्वेशन निकल आए जिसमें g और c हो तो हम दोनों को आपस में माइनस करके g की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं 1 और 2 को इस तरह से सॉल्व करते हैं कि या तो g का कोएफिशिएंट या फिर f का कोएफिशिएंट दोनों साइड में क्या बन जाए सेम बन जाए, तो मैं आपसे कहता हूं हम f के कोएफिशिएंट को सेम बनाना ज्यादा आसान है, इसको सेम बना देंगे। देखें सर ये 14 लिखा हुआ है, इसको 14 बनाने के लिए क्या कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई, सबको 7 से मल्टीप्लाई कर देगा, क्या 7 को 10 से करें 70g, 7 को माइनस 2 से करें माइनस 14f प्लस 7 को c से करें क्या आ जाएगा हमारे पास 7c। ठीक है, और 26 को 7 से करें जरा, 26 को 7 से करें हमारे पास क्या आ जाएगा 24182 आ गए, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा क्या माइनस 182। यार इसको अब कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। बच्चों बेटा देखें समझना है प्लीज, इसको रटा नहीं मारना, हम क्या कर रहे हैं जब इक्वेशन 1 और 2 आ चुकी थी हम ये चाह रहे थे इन दोनों को सॉल्व करके ना सी खत्म हो जाए, सॉरी एफ खत्म हो जाए दोनों, क्यों, क्योंकि जी और सी वाली इक्वेशन पड़ी है,
एक और जी और सी वाली इक्वेशन फाइंड करके दोनों का आपस में सॉल्व करके किसी एक का आंसर निकाल लें। तो हमने क्या किया, इन दोनों को सेम बना लिया, किसको, वन को और टू को। एफ के साथ 14 था, यहाँ पे -2 था, तो इसको 7 से जब मल्टीप्लाई किया तो सबको ही करना पड़ेगा, तो ये एफ वाली टर्म सेम आ गई, एक माइनस में है एक प्लस में, खत्म करने के लिए दोनों को ऐड करूंगा सबट्रैक्ट करूंगा, शाबाश ऐड करूंगा। तो क्या लिखूं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 बताएं जरा, -14g +14f +c इज इक्वल टू -98, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 70g -14f +7c इज इक्वल टू -182। अब देखो जरा इनको हम सॉल्व करते हैं, जरा ऐड करना है ना, ये तो कैंसिल हो गया, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 में से आप 14 निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 56 ही आ जाएगा ना, यहां से आ गया 56g +8c इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास क्या आएगा, 98 और 200, तो ये आ गया हमारे पास 280, लेकिन माइनस के साथ आएगा, ये माइनस के साथ। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 8 कॉमन है, तो बाकी क्या बच गया बच्चों, 7g +c इज इक्वल -280, तो हम लिख सकते हैं 7g +c इज इक्वल टू -280 ओवर 8। तो 8 3 का क्या होता है, 24, यहां पे 4 आ गया, 8 5 आर 35, मतलब 7g +c किसकी इक्वल आ गया, -35, इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 4। समझ आई कि नहीं आई, समझ आ गई है, गुड। अब देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 में भी जी और सी है, इक्वेशन 4 में भी जी और सी है, तो इनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 20g +c इज इक्वल -100, और 7g ठीक है, 7g +c इज इक्वल -35, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है बच्चों। ये देखो, ये माइनस कर रहे हैं ना, तो जब भी माइनस करते हैं साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया। 20 में से 17 निकाल 7 निकाले 13g, और 100 में से इसको निकाले -65, तो g किसकी इक्वल आ जाएगा, -65 ओवर 13, तो यहां से क्या आ जाएगा 5, तो g का आंसर क्या आ गया, -5। g फाइंड कर दिया, अब क्या चाहिए, f भी चाहिए और c भी चाहिए, किसमें पुट करूं, अब आप खुद बता दें। ओके, मैं इसमें पुट करूं ताकि सी की वैल्यू निकल जाए, पुट इन 4, तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू -5 +c इज इक्वल टू -35, तो यहां से क्या आएगा, चला दो -35 +c इज इक्वल है -35, -35 उधर जाके क्या हो जाएगा, +35, तो ये भी कैंसिल, सी का आंसर क्या आ गया, 0। अब देखें, जी भी आ गया और सी भी आ गया, क्या चाहिए, एफ चाहिए। आप इक्वेशन खुद ढूंढ रहे हैं जिसमें एफ है, कौन सी वाली इक्वेशन, इसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है, जिसमें आप चाहें उसमें पुट कर सकते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाली में पुट कर देते हैं, पुट, ठीक है, ओके बेटा, इसको मैं रेज कर रहा हूं क्योंकि ये भी फिलहाल हमारे काम की नहीं है। क्या हमने करना है, पुट करना है जी को और सी को, इसमें जी जी को पुट करो, -14 इंटू -5, यह ठीक है, +14f +0 इज इक्वल टू -98। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 14 को 5 से करें, 70 आता है, ये आ गया 70, 70 +14f इज इक्वल -98, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 14f इज इक्वल टू -98 -70, तो दोनों को आप ऐड करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, -168 आई थिंक आ जाएगा, यही आ जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं, यही आ जाएगा, आई थिंक यही आएगा, 168 ही आ गया, किसका, 14f का। तो बताएं जरा, f क्या आ जाएगा, यहां से f इज इक्वल आ जाएगा -168 ओवर 14, f इज इक्वल आ गया 14, 1 आर 14, 2 आ गया 14, 2 आर 28, F भी आ गया। अब हमने क्या करना है, हमें तो वो इक्वेशन चाहिए ना जिसमें से ये तीनों पॉइंट पास करें, तो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, हमने जी भी फाइंड कर लिया, एफ भी फाइंड कर लिया, सी भी फाइंड कर लिया, तो क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एफ
जी एंड सी इन स्टेरिक। तो बच्चों देखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 g क्या है माइनस 5, तो यहां पे आ गया माइनस 5 और साथ x प्लस 2। f क्या था, f अभी फाइंड किया माइनस 12 y प्लस 2fy भी हो गया। c क्या है 0 इज इक्वल टू 0, तो देखें क्या आ गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास चला दो वो इक्वेशन है जिसमें से ये तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं पास कर रहे हैं, ठीक है। इसी का पार्ट 3 देखते हैं। आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, और इसको देख लेना बच्चों। टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्निकल किस लिहाज से है, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होगी अदरवाइज आपकी नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लें, इक्वेशन बना लें तो फिर उसको मतलब कीजिएगा। और बड़ा ध्यान इसमें रखना पड़ता है कि प्लस माइनस की कहीं से मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि सारा क्वेश्चन उसकी वजह से गलत हो जाता है। अब देखिए पॉइंट नंबर सी क्या है, ए हमारे पास है ए कोमा जीरो, बी हमारे पास है जीरो कोमा बी, और सी शो हमारे पास क्या है जीरो कोमा जीरो, ठीक है, ओके। अच्छा यार ये देखें, मुझे एक बात यहां से याद आई है, काफी बच्चे ना ये कह रहे थे कि वीडियो जो है वो हमें थोड़ी सी क्लियर नहीं है। बेटा आपने जब आप YouTube को ओपन करेंगे तो वहां से आपने सेटिंग्स में जाना है, तो वहां से आपने पिक्सल की सेटिंग करनी है, ठीक है। तो 360 पे रखना चाहते हैं 360 पे रखें, क्योंकि हर सिस्टम की अपने मुताबिक होती है, सम टाइम ऑटो होती है या जो आपने सेटिंग की होती है उसके मुताबिक होती है। 720 पे जाएं, 1080 पे जाना है, आप 1080 तक जाएं, मतलब जहां पे भी आपने अपनी सेटिंग करनी है उसकी सेटिंग कर लें तो आपको पिक्सल वगैरह जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों देखो ए बी और सी तीनों हमारे पास गिवन है, अगेन वही, तो सपोज कर लेना, सपोज क्या करते हैं, सपोज इक्वेशन ऑफ सर्कल इज अगेन वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए पॉइंट ए पास कर रहा है, ओके, आपने पूरा लिखना है ए लाइज इन स्टैटिक। अब a लाया जा रहा है, जहां पे x है क्या पुट करो, a a का स्क्वायर आ गया, जहां पे y है 0 पुट करना है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, x की जगह पे क्या पुट करना है a, तो क्या आ गया 2ag, y की जगह पे क्या आ जाएगा 0, तो प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह b को पुट करो, b क्या है 0, b पुट करें जरा, x की जगह पे पुट करने का फायदा नहीं है क्योंकि 0 आ जाएगा, y की जगह पे पुट करें b स्क्वायर प्लस x की जगह पे क्या पुट करना है 0, लिखने का फायदा नहीं, y की जगह पे क्या पुट करना है b, तो आ जाएगा 2f b plus c is equal to 0, इसको हमने कह दिया ये दो नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब c में पुट करने का, सॉरी c को पुट करते हैं इसमें, c क्या है बच्चों 0 0, अब पुट करने का क्या आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, जहां पे x है और जहां पे y है क्या पुट करना है 0 ना, तो सारे 0 0 हो जाएंगे, क्या बचा हमारे पास c बचेगा सिंपल, क्योंकि देखे ना ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 पूरी वैल्यू 0 ये भी 0 पूरी वैल्यू 0, तो सी बच गया, सी का आंसर क्या आ गया 0। अब सी का एग्जैक्ट आंसर तो सॉल्व किए बगैर ही हमें पता चल गया, मतलब किसी के साथ किसी इक्वेशन के साथ सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं सी इज इक्वल टू 0 इन 1 में पुट करो एंड 2 1 में भी और 2 में भी पुट करो, सी की जगह पर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ag प्लस 0 इज इक्वल 0, ये आ गया। और बताएं जरा क्या आ जाएगा नीचे वाली इक्वेशन में, इसमें b स्क्वायर प्लस 2fb प्लस 0 इज इक्वल 0। अच्छा यहां से देखें जरा g का आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ag इज इक्वल 0, तो 2ag किसके इक्वल आ गया माइनस a स्क्वायर, तो g किसके इक्वल आ गया माइनस a स्क्वायर ओवर 2a, a कैंसिल, तो g का आंसर क्या निकला है माइनस a ओवर 2, ये तो आ गया जी आ गया, सी भी निकला है जी भी आ गया, यहां से हमें क्या फाइंड करना है, अब हमने एफ फाइंड करना है, तो क्या कह सकता हूं 2fb किसके इक्वल हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और fb किसकी f किसके इक्वल हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर ओवर 2f सॉरी 2bo, तो बेटा b कैंसिल, f का आंसर क्या आ गया माइनस बी ओवर 2fb आ गया, fb आ गया b भी आ गया और c भी आ गया, तो क्या लिखे यहां पर डायलॉग, पुट value of f g and c
इन स्टेरिक, स्टेरिक में मुड़कर ओके एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ गया सिद्धांतो और वाई स्क्वायर ये भी वैसे ही आ गया प्लस 2 जी की वैल्यू क्या निकाली हमने माइनस ए ओवर 2 तो ये आ गया माइनस ए ओवर 2 प्लस 2 एफ की वैल्यू क्या निकाली है माइनस बी ओवर 2 सी की वैल्यू क्या निकाली है 0 इक्वल 0 कुछ कैंसिल हो रहा है अच्छा जी हो रहा है क्या ये ओके कैंसिल कर दे क्या बचा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस a सॉरी यहां पे हमने x नहीं लिखा और यहां पे y भी नहीं लिखा ठीक है तो माइनस a x माइनस b y इज इक्वल टू 0 तो ये वो सर्कल है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी ठीक है बच्चों अच्छा देखें तीन पार्ट जो है मैंने आपको इसके करवाए इसका एक लास्ट पार्ट है उसमें भी a b और c गिवन है तीनों आपने अभी ठीक है जैसे ही इस वीडियो को देखना है उसके फौरन बाद आपने इसका जो फॉल्स वाला पार्ट है वो करना है और अगर प्रॉब्लम आएगी आपने वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना है मैं उसको भी आपको सॉल्व करके दे दूंगा ठीक है बच्चों तो आज के लिए इतना बहुत है तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह पाक आपका हामी नासिर अल्लाह हाफिज़